अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू न्यू वीडियो। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जो टॉपिक आज हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में, वो है एक पोइम, दीज कैरोल्स। लेट्स स्टार्ट। दीज कैरोल्स, ये पोइम लिखी है वॉल्ट विटमन ने और इस पोइम के अंदर जस्ट टू लाइंस हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं इस पोइम की समरी। जो कैरोल्स हैं वो होती हैं पोइम्स या सॉन्ग्स। कैरोल्स आर एक्चुअली सॉन्ग ऑफ जॉय, प्रेज एंड डिवोशन। इस पोइम में जो विटमन है वो कहता है कि उसने बहुत सी पोइम कंपोज की हैं। द पोएट सेज दैट ही हैज़ कंपोज मेनी पोइम्स टू चीर हिमसेल्फ अप, खुद को खुश करने के लिए या अपने सेटिस्फेक्शन के लिए उसने बहुत सी पोइम्स लिखी हैं। बट ही बिलीव्स दैट ही विल पास ओवर टू अनदर वर्ल्ड आफ्टर डेथ। लेकिन वो कहता है कि मुझे बिलीव है, मैं इस बात पे यकीन रखता हूँ कि मैं एक दिन इस दुनिया से किसी और दुनिया में शिफ्ट हो जाऊँगा आफ्टर डेथ। मतलब कि जो डेथ है उसके बाद की जो ज़िंदगी है वो इस पर बिलीव करता है विटमिन। और वो कहता है कि जो वर्ल्ड है ना, वो वाली जहाँ पर मैं शिफ्ट हो जाऊँगा डेथ के बाद, वो वर्ल्ड इनविजिबल है। वो कहते हैं कि हिज मिशन विल बी कम्प्लीट ओनली इन दैट अदर वर्ल्ड। वो कहते हैं कि जो मेरा मिशन्स है ना, जो ज़िंदगी का जो मिशन है, वो सिर्फ उस दुनिया में ही कम्प्लीट हो सकता है, इस दुनिया में कम्प्लीट नहीं हो सकता। फॉर द सेक ऑफ कम्प्लीशन एंड सक्सेसफुल अकम्पलिशमेंट ऑफ द जर्नी अंडरटेकन, ही इज़ डेडिकेटिंग हिज कैरोल्स द इनविजिबल वर्ल्ड। वो ना, मतलब उसका बिलीव है उस वर्ड पे कि वो जो दुनिया है वो आनी है डेथ के बाद। वो कहते हैं कि मेरी जो लाइफ है वो उसी वक्त कंप्लीट हो सकती है, मेरा जो पर्पस है, मेरी जो सक्सेसफुल है, मैं उसी वक्त कामयाब हो सकता हूँ अगर मैं उस जो दुनिया है वहाँ पे कामयाब हो जाऊँ। और वो कहते हैं कि जो मेरे ये कैरोल्स हैं ना, मैं इनको डेडिकेट करता हूँ कि मैं लिख रहा हूँ इनविजिबल वर्ल्ड के लिए, उस वर्ल्ड के लिए जो कि डेथ के बाद आनी है। ये थी इस पोइम की छोटी सी समरी। अब हम देखते हैं इसका एनालिसिस। जो विटमन है ना, विटमन बिलीव्स इन द इमोर्टैलिटी ऑफ द सोल। ये जो विटमन है वो इस बात पे बिलीव करता है कि जो सोल है ना वो इमोर्टल है। वो इस बात का जिक्र कर चुका है ऊपर कि वो डेथ पे और उसके बाद की आने वाली ज़िंदगी पे बिलीव करता है। वो इस बात पे बिलीव करता है कि जो हमारी बॉडी है वो मोर्टल है, लेकिन जो सोल है वो इमोर्टल है। इवन एज ही इंजॉयज़ द प्लेयर्स ऑफ दिस वर्ल्ड, ही इज़ नॉट ऑब्लिवियस ऑफ द अदर वर्ल्ड वेयर ही हैज़ टू पास ऑन लाइक एवरीवन एल्स इन दिस वर्ल्ड। वो कहते हैं कि बेशक मैं इस दुनिया की दुनियावी ज़िंदगी की जो खुशियाँ हैं, जो इन्जॉयमेंट हैं, उनको इन्जॉय कर रहा हूँ, लेकिन मैं इस बात को नहीं भूल रहा कि मेरी जो हकीकी ज़िंदगी है, जो असल ज़िंदगी है, वो डेथ के बाद की है और मुझे भी इस फेज़ से गुजरना है जैसे कि मुझसे पहले लोग गुजरे हैं। तो ये थी छोटी सी पोइम दीज कैरोल्स। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अगर समझ आ गई है तो डोंट फॉरगेट टू शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू।